नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ग्रामीण अड्डा में। आज हम संविधान में फाइनेंस कमीशन का अध्ययन करते हैं। फाइनेंस कमीशन संविधान के अनुच्छेद 280 में है। अनुच्छेद 280 में है। फाइनेंस कमीशन संविधान के भाग 12 अध्याय 1 में है। भाग 12 अध्याय 1 में। फाइनेंस कमीशन एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय है। फाइनेंस कमीशन संघ एवं राज्यों के मध्य टैक्स का विभाजन करता है। संघ एवं राज्यों के मध्य टैक्स का विभाजन करता है। फाइनेंस कमीशन प्रत्येक 5 वर्ष बाद नियुक्त किया जाता है। प्रत्येक 5 वर्ष बाद नियुक्त किया जाता है। फाइनेंस कमीशन का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। फाइनेंस कमीशन में एक अध्यक्ष होता है, 4 अन्य सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष, 4 अन्य सदस्य होते हैं। प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी। फाइनेंस कमीशन के प्रथम अध्यक्ष वो केसी नियोगी। फाइनेंस कमीशन के वर्तमान में अध्यक्ष एन के सिंह नंद किशोर। वर्तमान में अध्यक्ष एन के सिंह नंद किशोर। वित्त आयोग का गठन 22 नवंबर 1951 में हुआ था। 22 नवंबर 1951 को हुआ था। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। वित्त आयोग का मुख्यालय वो दिल्ली में है। मुख्यालय दिल्ली में। उन्नीस सौ तिरानवे में भारत के सभी राज्यों में वित्त आयोग का गठन किया जाने लगा। 1993 में भारत के सभी राज्यों में
वित्त आयोग का गठन किया जाने लगा। गठन किया जाने लगा। एन के सिंह 15वें नंबर के वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, 15वें नंबर के। 15वें वित्त आयोग 2020 से लेके 2025 तक है, 15वां वित्त आयोग। दो हजार बीस से लेके 2025 तक है। अब तक 15 वित्त आयोग नियुक्त किए जा चुके हैं। अब तक 15 वित्त आयोग नियुक्त किए जा चुके हैं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।